हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ स्लीव डिजाइन शेयर करने वाली हूँ। देखिए, स्लीव मैंने पूरा रेडी कर लिया है। इस तरह से मैंने इसमें थोड़ा सा कपड़ा ज्वाइंट किया एक्स्ट्रा, क्योंकि इस स्लीव की चौड़ाई कम थी। तो इस तरह से मैंने इसके अस्तर उस्तर लगा कर रेडी कर लिया है। इसके आगे डिज़ाइन जो है आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इतना तो सबको आता ही है कि किस तरह स्लीव में हम कटिंग करते हैं और उसके बाद हम इसकी जो अस्तर पार्ट ज्वाइन करते हैं। तो इतना मैंने तैयार कर लिया है, इसके बाद हम इसमें डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम इसकी लेंथ माप लेंगे। जो इसकी लेंथ है ना, टोटल 10 इंच ली है, ठीक है, 10 इंच लेंथ लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ना एक इंच इस तरह से पहले हम इसको उल्टा कर लेते हैं। सीधा में समझ नहीं आएगा और ऐसे भी हमें उल्टा में मार्किंग करना चाहिए। तो इस तरह से आपने उल्टा को रख कर देना है और इसको बराबर फोल्ड कर देना है। और अब यहाँ से हम इसका मार्किंग करेंगे। इस तरह से आपने रखना है और एक इंच हम नीचे छोड़ेंगे और एक इंच हम ऊपर छोड़ेंगे। तो देखिए, एक एक इंच छोड़ने के बाद 10 था टोटल, तो हमारे पास कितना रह जाएगा, 8 इंच रह जाएगा, ठीक है। 8 का हाफ करेंगे, 4 आ जाएगा। फिर हमें इन चार जो हमने निशान लगाया है, इन चारों का भी हाफ करना है। इस तरह से, जैसे ये देखिए 4 है तो उसका हाफ किया 2 आया, और इस 4 का हाफ किया तो 2 आया। और यहाँ से हमें 1 इंच इधर आना है, उसी तरह से हमें यहाँ से भी 1 इंच इधर आना है, जो इसकी हम चौड़ाई ले रहे हैं। अब इसे हम इस तरह से मिलाएंगे। देखिए, हमें इसको पहले ऐसे मिला लेना है, ऐसे शेप देकर यहाँ से भी इसको इस तरह से मिलाना है। उसके बाद हमें बीच में थोड़ा गैपिंग दे देंगे। ऐसे मिलाने के बाद पूरा अच्छे से इसको ड्राफ्टिंग करेंगे। और उसके बाद हम कैनवास पेपर लेंगे, इसको आपने इस तरह से फोल्ड करना है। मैं अभी एक के लिए बना रही हूँ, दूसरे के लिए हम बाद में इसको नाप के काट देंगे। फोल्ड करना अच्छे से, और देखिए यहाँ से हमने ना एक निशान सीधा लगाना है और हाफ इंच ऊपर छोड़ना है, हाफ इंच नीचे, मतलब टोटल 1 इंच हम बीच में गैपिंग दे देंगे। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर हमारे बीच में कटेगी नहीं, जॉइंट रहेगी और उस शेप हमारा बनेगा। इसको इस तरह से पलट देना है और यहाँ से हमें जो दिख रहा है वैसे शेप बना लेना है ऐसे। और यहाँ से देखिए, बीच में हमने 1 इंच गैप छोड़ा है, ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हम एक्स्ट्रा पार्ट ले लेंगे, यहाँ से एक्स्ट्रा जो हमारा हमेशा हम लेते रहते हैं ना एक्स्ट्रा, वैसे हमें ले लेना है। इसको इस तरह से पहले एक बार रख लेंगे, यहाँ पर रख के हम माप लेंगे यहाँ से, ये जितना आ रहा है, ये देखिए यहाँ से हम एक्स्ट्रा ले ले रहे हैं। और ये जैसे शेप बना है ना, वैसे हमें इसको लेके जाना है। ये अभी हम एक स्लिप के लिए तैयार कर रहे हैं, दूसरे के लिए हम सेम इसको कट करके उस पर रख के कट कर लेंगे। तो अभी इसको हम कट कर लेते हैं इस तरह से। पहले जैसे हमने ड्रॉ किया है वैसे कट करना है, उसके बाद हम बीच से इसको कट कर देंगे यहाँ से। ये देखिए, बीच से एकदम सीधा कट कर देना है। और अब हमें अंदर वाले पार्ट को कट करके निकालना है। मैं भी इसमें थोड़ा ना देखिए कम लेकर गई हूँ कटने में, बाद में इसको हम थोड़ा सा ले लेंगे इस तरह से। ये शेप जो बन रहा है ना हमारा, और ये जो इस तरह से शेप बन रहा है, इसको हमें इस तरह से राउंड शेप दे देना है। इसी तरह से हम दूसरा वाला पार्ट कट कर लेंगे। पहले इसको राउंड शेप दे देंगे यहाँ से, और ये अंदर वाला पार्ट कट कर लेंगे। सबको हम बाद में बराबर कर लेंगे, थोड़ा सा इधर उधर होगा तो। और ऐसे ही हमें दो पार्ट और कट कर लेना है, दोनों स्लीव के लिए दो दो होगी तो 4 पार्ट होंगे टोटल। थोड़ा सा इसको हम अच्छे से शेप देंगे, तो बाद में जैसे भी शेप थोड़ा कम इधर उधर होता है ना, तो हम चारों को एक साथ अच्छे से रख के शेप बना लेंगे। तो दो पार्ट हम और कट कर लेते हैं। और ये देखिए, दो पार्ट मैंने कट कर लिया, साथ में ये कपड़ा ले लिया है इसके माप का, कि हमें इस पर रख के स्टिच करना है। स्टिच कैसे करना है, देखिए आपने इसको इस तरह से
एक पार्ट मैं आपको दिखा दे रही हूँ, एक पार्ट आपने इस तरह से रखना है और अच्छे से सेट कर देना है। और अब हमें बुकरम के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। चारों पार्ट में हम सेम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना कट कर देंगे। देखिए पूरा कपड़ा नहीं कट करना, थोड़ा सा छोड़ देना है क्योंकि हम इसको फोल्ड करके बाद में सिलाई करना, या आप हेम करना चाहें तो हेम कर सकते हैं। थोड़ा सा छोड़ के बाकी हम इसको इस तरह से सिल देंगे और चारों पार्ट्स को हमें इसी तरह से बना लेना है दोनों स्लीव के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, एक स्लीव उठाएंगे और इस तरह से हमें इसको सीधा करना है एकदम बराबर, और बीच से हमें इसको एक नाखूनों से क्रीज करके निशान लगाना है और यहाँ पे कट पॉइंट लगाना है जो हमारा सेंटर पॉइंट आएगा। अब इस सेंटर पॉइंट से हमें इसको रखना है इस तरह से सेट करके, और ये यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसको, और दोनों को हमें पिन लगाना है। अच्छे से इसको सेट करके रखेंगे। देखिए एकदम सेंटर पॉइंट हमने कट किया है ना, वहाँ से इसको लेना है इस तरह से। देखिए इस तरह से लेकर बीच में एक पिन लगा देंगे, फिर ये वाला पार्ट ऐसे लेना और जो कोन बना है वो ऊपर में रहेगा देखिए, और जो एकदम स्ट्रेट गुलाई गया है वो नीचे में जाएगा। इस तरह से करके हमें इसमें सिलाई लगाना है। और अब सिलाई जो हमने लगाना है ना वो बकरम के ऊपर नहीं लगाना, फ्यूजिंग पेपर के ऊपर नहीं लगाना है, उसके नीचे साइड में किनारे में सिलते जाएंगे और जहाँ जहाँ राउंड आएगा सुई को अंदर लगे हुए इस तरह से टर्न करते हुए सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद इसमें से हमें कपड़ा को कट करना है, लेकिन ध्यान रहे कि सिलाई वाला पार्ट वाला कपड़ा ना कट हो, हमें उससे थोड़ा सा छोड़ के कट कर देना है। और जहाँ जहाँ कोन बने हैं वहाँ पे हमें कोन्स बना लेने हैं इस तरह से, आपको उन्हें कट करना है दोनों ही जो पार्ट है, और इस तरह से अच्छे से कट करना है ध्यान से, क्योंकि ब्लैक है उसमें पता नहीं चल रहा होगा, तो ध्यान से आपने कट करना है। और एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से भी हमें इस पार्ट में मैंने कट नहीं किया था जो मैं भी कट कर दे रही हूँ, और इसमें भी इसी तरह से कट्स पॉइंट लगा के और इस तरह से हमें काट के निकाल देना है। और अच्छे से आपने इसको काटने के बाद, कपड़ा ज़्यादा भी नहीं रहना चाहिए नहीं तो ये मुड़ने से ना प्रॉब्लम आती है, तो हम इसमें कट्स पॉइंट लगाएंगे इस तरह से। और कट्स पॉइंट लगाने के बाद हम इसको पलट लेंगे, दोनों में कट्स पॉइंट लगा लेना है। चलिए अब इसको हम पलटते हैं अंदर की तरफ। देखिए एक कपड़ा ना जो मेरा है वो दूसरा कपड़ा है, मतलब प्लेन कपड़ा नहीं है, तो मैं इसमें सिलाई भी करूँगी तो चल जाएगा। अगर आप एकदम प्लेन कपड़ा में सिलाई इस तरह का डिज़ाइन बनाते हैं ना तो उसमें हेम कर दीजिएगा ताकि देखने में अच्छा लगे, सिलाई मत करिएगा। और अभी इसको अच्छे से हम सेट करके ना पलट लेंगे और मशीन से सिलाई लगा लेंगे। तो वही मैंने बोला इस कपड़े में हमारी सिलाई इतनी पते नहीं चलेगी, इसलिए मैं मशीन से सिलाई लगाऊंगी। और आप के पास अगर दूसरा कपड़ा है जिसमें सिलाई पता लग रहा है तो आप उसमें ना हाथ से हेम कर लीजिएगा। इस तरह से आप कपड़े को ना, जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा रखा था उसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है। सेम जैसे हम इसमें बना रहे हैं ये वाला डिज़ाइन, सेम हमने ऐसे ही दूसरे स्लीव में भी तैयार कर लेना है। तो देखिए हमारे दोनों स्लीव में जो है डिज़ाइन बन गई है। और अभी हमने ये ना 1.5 इंच का कपड़ा लिया है, ब्लैक कलर में कॉटन का है, और इसमें मैं दो दो पीस ले रही हूँ। आपके पास अगर
एक साथ ही बड़ा लंबा कपड़ा है तो आप चला लीजिएगा काम। मेरे पास ना ये कपड़ा मैंने गलती से काट दिया था, तो अब मैं इसको दोनों को ज्वाइन कर रही हूँ। और उसके बाद मैं इसको ज्वाइन करने के बाद नीचे से इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर दूँगी हल्का हल्का, दोनों ही पार्ट में मैं इस तरह से सिलाई लगा दूँगी। इसमें भी हम सेम इसी तरह से कर लेंगे। देखिए सिलाई लगाने के बाद हम इसमें प्लेट्स बनाएंगे इस तरह से, फ्रिल इस तरह से हम फ्रिल जो है तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इसमें ना ब्लैक सिंगल बहुत ही अच्छा लग रहा था लुक, इसलिए मैंने ये ब्लैक लिया है। आप अपने कपड़े के हिसाब से सेट कर लीजिएगा। और ये देखिए स्लीव में ना यहाँ पर जब ब्लैक फ्रिल लगाएंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। चलिए इसको फटाफट से हम दोनों में ना फ्रिल तैयार कर लेते हैं। फ्रिल हमारी हो गई है तैयार, तो अब इसको हमें जोड़ना है इसमें। तो एक स्लिप ले लेते हैं और एक स्लिप को उठाएंगे और ये वाला फ्रिल हम इसको नीचे से, आप चाहें तो ऊपर से सिल के पलट सकते हैं, मैं इसको नीचे से ही स्टिच कर दूंगी और दो सिलाइयां लगा दूंगी थोड़ी थोड़ी दूरी पर ताकि अच्छे से सेट हो जाएगा। सेम दूसरे स्लिप में भी हम इसी तरह से इस फ्रिल को ऐड कर लेंगे। फ्रिल हमारी हो गई है ऐड, तभी हम बटन ले लेंगे और इसको इस तरह से सेट करके बटन को हम टैक लेंगे। और देखिए यहाँ ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो सिलाई में चला जाएगा, इसलिए मैं वहाँ ऊपर नहीं लगाऊंगी। और यहाँ पर मैं मिड में दो और नीचे से एक, तो इसको हम फ्रिल जो लगा दिए हैं अभी देखिए फ्रिल लगाने पर बहुत ही प्यारा इसका डिज़ाइन बन गया है। यहाँ पर हमने इसको रखना है और ये एक मैंने गोल्डन कलर में ली है, ब्लैक भी ले सकते हैं आपको इच्छा है तो। मेरे पास ब्लैक था लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा तो मैंने ये वाला ले लिया गोल्डन में। और अब इसे हम टाक लेंगे और इसी तरह से हम दो ऊपर बीच में टाक लेंगे, लेकिन ऊपर हम नहीं लगाएंगे। अगर आपकी इच्छा है तो आप थोड़ा सा कपड़ा नीचे रख के लगा सकते थे, लेकिन मैंने ऊपर तक सिलाई की है ना, तो जब हम ज्वाइंट करेंगे कंधे से तो उस बटन के लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो पहले सिलाई कर दीजिएगा, जैसे कि ब्लाउज़ में इस स्लिप को अटैच करने के बाद हम इस जो है डिज़ाइन को ये वाला बटन लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम एक किनारे पर यहाँ और एक किनारे पर यहाँ लगा लेंगे, थोड़ा सा बीच में गैप दे देंगे तो अच्छा लगेगा, दोनों ज्वाइंट नहीं करेंगे। चलिए दोनों स्लीव में सेम इसी तरह से हम जो है बना लेते हैं। तो हमारी दोनों स्लीव में बनकर तैयार हो चुकी है और ऊपर आपको लगाना है, तो पहले इसको ज्वाइन कर दीजिएगा ब्लाउज में फिर इसको लगा लीजिएगा। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक किस तरह से आ रहा है। तो इस तरह से हमारी पहली जो फ्रिल स्लीव है बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम दूसरे स्लीव की तरफ चलते हैं। और आपको ये वाली पहली वाली कैसी लगी, दोनों में से कौन सी अच्छी लगेगी कमेंट करके बताइएगा, पहली वाली या दूसरी वाली। दूसरे के लिए हम यहाँ पर रेड कलर में बनाने वाले हैं, तो इस कपड़े को हमने ले लिया है और चलिए इसको शुरू करते हैं बनाना। मैंने ना अस्तर पर ड्रॉ करके रखा है, तो ये सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ ये कपड़ा जिसका हम स्लीव डिज़ाइन तैयार करेंगे। मेन फैब्रिक हमारा जो है इस तरह से शाइनिंग वाली कपड़ी है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला अस्तर वाला पार्ट इसके ऊपर इस तरह से रख के मैं दिखा रही हूँ। मैंने इससे पहले से ड्राफ्टिंग की है, बस आपको समझाऊंगी कि किस तरह से मैंने इसकी ड्राफ्टिंग की है। जो मेन अस्तर कपड़ा है ना थोड़ा कम है, तो उसको हम अच्छे से सेट कर देंगे, बराबर कर देंगे। अच्छे से हमें सेट कर देना है इसको, इस तरह से बराबर करके इसको अच्छे से सेट करके रखना है। देन इसके बाद हम यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे कि जो कपड़ा है ना ये सिल्क है, थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है तो हमें इस कपड़े को इधर उधर होने से रोकना है। उसके लिए हमें यहाँ पर एक पिन लगा देना है। पिन लगा दे, अच्छे से सेट कर दिया है। और अभी हम अस्तर वाला पार्ट उठा लेंगे और अस्तर वाले पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, फोल्डेड साइड की तरफ से इस तरह से रख देंगे। और यहाँ पर अभी हमें इसको अच्छे से सेट करके इस किनारे से एक पिन लगा लेना है ताकि फिर ये भी इधर से उधर ना हो और अच्छे से सेट हो जाए। तो अभी इस जो स्लीव की लेंथ मुझे टोटल 12 इंच बनानी है,
तो अभी मैंने यहाँ पे 10 इंच है जो परफेक्ट इसकी साइज ली है, और स्टिचिंग करने के बाद मेरी 12 बन जाएगी क्योंकि मैं इसमें फ्रिल लगाने वाली हूँ। देखिए 10 इंच लिया है और मुझे 12 कंप्लीट करनी है, तो यहाँ पे मैं फ्रिल लगाऊंगी। यहाँ से हम 10 ले लेंगे और यहाँ से मैंने डाउन किया है 3 इंच और इसको गोलाई का शेप दे दिया है। उसके बाद इसकी चौड़ाई मैंने 8.5 क्योंकि 34 चेस्ट का बना रहे हैं, और यहाँ से इसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा था उसे भी मैंने कट कर दिया निशान लगाकर। और देखिए अभी इसे हमें ज्वाइंट करना है, तो जो ऊपर से निकला है ना कपड़ा उसे हमें इसको ज्वाइंट कर देना है इस तरह से सेट करके, और इसको अलग कर देंगे। पहले हम इसको जोड़ लेंगे, उसके बाद ये देखिए यहाँ से अलग कर देना है, इसको ज्वाइंट कर देना है। तो ये होगी हमारी स्लिप की ड्राफ्टिंग एंड कटिंग। अब इसके लिए जो हमने मेन कपड़ा जैसे मतलब इसमें ज्वाइंट करने के डिजाइनिंग बनाने के लिए लिया है वो ग्रीन कलर में, क्योंकि मैंने ब्लाउज में ना सेम यही कलर लिया है इसीलिए बैक नेक में। तो ये मैंने यहाँ पर जो पट्टी लिया है वो 3 इंच की ली है पट्टी, और दूसरी पट्टी मैंने ली है यहाँ पर ये कलर में, तो ये मैंने 2.5 इंच की पट्टी ले ली है। तो इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ले ली है। तो ये दो पट्टियाँ हमने ले ली हैं जो इसमें डिज़ाइन करनी है। सेम इसी पट्टी के मैंने ना बैक में डिज़ाइन की थे, इसलिए मैंने इसको स्लिप में भी तैयार करना है। सबसे पहले हम ग्रीन कलर का धागा लगाकर इस पट्टी को तैयार कर लेंगे। इस पट्टी को तैयार करने के लिए हमें इसके नीचे से इसको फोल्ड करके सिलाई कर देनी है और फ्रिल तैयार करना है। इसे हम बाद में करेंगे क्योंकि रेड कलर का धागा हम बाद में लगाएंगे और सारा काम कर लेंगे रेड से। तो अभी जो ग्रीन कलर का धागा लगाएंगे और इसका काम कर लेंगे कंप्लीट। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर का धागा लगा लिया है और अभी हम इसको सिलना शुरू करेंगे। तो ये देखिए सिलना कैसे है, आपने यहाँ से इसको हल्का सा फोल्ड करके इसको सिलाई कर देना है इस तरह से, और सिलाई करने के बाद हम इसमें फ्रिल तैयार कर लेंगे। दोनों पट्टियों को मैंने नीचे से फोल्ड कर दिया और इस तरह से फ्रिल तैयार कर लेना है। फ्रिल मेरी हो गई है तैयार। अब मैं रेड कलर का धागा लगाकर सबसे पहले स्लिप को इस तरह से ज्वाइंट करके कर लूँगी। ये देखिए मेरा फ्रिल हो गया है तैयार। अब स्लिप ज्वाइंट कर लेते हैं जो पार्ट हमने कट किया है। और देखिए ये अस्तर वाला पार्ट ज्वाइंट है, तो इसे मैं इस तरह से कट कर दूंगी। उसके बाद मैं इसको जो मेन फैब्रिक है वो भी साइड से ज्वाइंट है पिन को निकाल देना है, और यहाँ से भी इसको कट करके एक एक पीस हम दोनों पर रख के सिलाई कर देंगे। सीधा हमने मेन फैब्रिक सीधा रखना है और ये हमने पहले ज्वाइंट कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले हम ये वाला पीस जो है ना जो कट करके रखे थे साइड से, जो कपड़ा हमारा कम पड़ रहा था उसको हमने साइड से इस तरह से मैचिंग कर करके उल्टा और सीधा मिलाकर इस तरह से स्टिच कर देंगे। पतला वाला पार्ट नीचे रहेगा, चौड़ा वाला ऊपर रहेगा। इस तरह स्टिच कर देंगे दोनों पार्ट में और चाप सिलाई दे देंगे।
तो ये देखिए सब पर हमने साफ सिलाई भी दे दिया है। अब क्या करना है, हमने इस तरह से इसको, इस पर भी चाप सिलाई देने के बाद हम ये अस्तर वाला पार्ट ज्वाइंट करेंगे। तो हमने सीधा कपड़ा रख दिया है फैब्रिक वाला, मेन फैब्रिक, और इस पर हम अस्तर वाला पार्ट इस तरह से रखेंगे और नीचे से इसकी मोहरी को सिलाई करेंगे बराबर सेट करते हुए। उसके बाद हमें को इस तरह से पलट कर चाप सिलाई दे देना है। देखिए जो हमने चाप सिलाई दे रहे हैं मेन फैब्रिक पर देना है हमें। दोनों पार्ट में हमने इस तरह से करने के बाद इसको उल्टा कर दिया है, देखिए इस तरह से पलटने के बाद। और अभी हम ये जो अस्तर वाले पार्ट से सिलना शुरू कर रहे हैं, इस तरह से सिल देना है गोलाई में शेप। इससे क्या होगा, हमारा दोनों अस्तर और मेन फैब्रिक ज्वाइंट हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हमें काट के निकाल देना है। दोनों स्लीव में हमने अस्तर ज्वाइन कर लिया है। अब हमने ये वाला कपड़ा लेना है और इसको इस तरह से आपने बराबर करना है, इस तरह से फोल्ड करना है। तो चकोर शेप बन रहा है हमारा पूरा। अब इसको हम बारी बारी इस तरह से फोल्ड करते हुए पीसेस में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से सारा पीसेस हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और सभी पीसेस को हमें कट कर लेना है इस तरह से। इस तरह से सारा ढेर सारी पीसेस जो बन जाएगी हमारी एक स्लीव के लिए लगभग तैयार हो जाएगी। और काटने के बाद हम इस पर डिज़ाइन शुरू करेंगे। सारे पीस कट हो गए हैं तो डिज़ाइन कैसे बनाना है देखिए। सबसे पहले एक बर्ती कोना, फिर दूसरे बर्ती कोना, फिर ये वाला पार्ट इधर मोड़ना है, फिर ये वाला पार्ट इधर मोड़ना है। इस तरह से हम सारे का सारा जो है डिज़ाइन कर लेंगे। हमारी स्लीव के लिए दोनों डिज़ाइन तैयार है, फ्रिल और ये नीचे फ्लावर भी। तो अभी हमें इसको किस तरह से अटैच करना है वो देख लीजिए। सबसे पहले हम इसको एक्स्ट्रा कपड़ा काट भी सकते हैं और नहीं भी काटेंगे तो भी चलेगा, मैं इसे कट नहीं कर रही हूँ। हमने स्लीव ले लेना है और ये देखिए इसको इस तरह से हम नीचे से लगाएंगे। जो सिलाई हमने किया है उसी सिलाई पर हमें इसे चलाना है इस तरह से, और थोड़ा सा स्पेस मैंने छोड़ा है क्योंकि वहाँ पर फिटिंग हो जाएगी। अब चाहे तो फ्रिल के साथ लगा कर इसको सिल सकते हैं। मैं इसे मेन फैब्रिक यानी कि मेन जो हमारा स्लीव है उस पर लगा दूँगी, उसके बाद मैं इसमें फ्रिल लगा लूँगी। तो ये सारे हम अटैच करने के बाद फ्रिल ले लेंगे। और देखिए ये सिलने के बाद हमने फ्रिल को नीचे से लगाना शुरू किया है, ऊपर से हमने कुछ नहीं लगाना। और अगर आप चाहते हैं ऊपर से कोई लेस लगाना तो लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई सिंपल सा बना रही हूँ, मतलब आप इसे डेली वेयर भी पहन सकते हैं या फिर स्लीव, और जब आप लेस लगाते हैं तो उसे डेली वेयर नहीं पहन सकते हैं, इसलिए मैं इसे सिंपल सा बना रही हूँ। और ऊपर से ये इसको सिल देना है। इस तरह से हमारी ये जो है स्लीव की डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगी। एक बार हम डबल सिलाई इधर से कर दे, थोड़ा दूरी पर सिलाई कर दिया है तो ये परफेक्ट हमारी सिलाई हो चुकी है। इसको हमने इस तरह सेट कर देना है प्लेट्स में। और अभी इसको हम पलटेंगे तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें काट के निकाल देना है। तो ये हमारी स्लीव एक बन गई है। दूसरी हमने सेम इसी तरह से बना लेनी है और इसकी जो शेप बनकर इस तरह से आएगी, लुक जो इसकी इस तरह से आ रही है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लग रही है और कैसी थोड़ा सा भी आपको पसंद आता है ना, तो फ्रेंड्स लाइक करके जरूर जाइएगा और ऐसी डिज़ाइन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसी तरह से हम दूसरा स्लीव भी तैयार कर लेते हैं।
तो ये देखिए हमारी दोनों स्लीव बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट डिज़ाइन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।